Luna. Hi, my name is Shelby and you're watching the Mind Valley Magic. Thank you. Yeah. Cool. वेलकम टू टेली मैजिक. वेल वेल सीन की बात किया जाए तो क्या कुछ चला है ड्रामा आज के सीक्वेंस में, क्या बताना चाहोगे आप? वेल अभी जो मेजर ड्रामा था वो तो हुआ है, लेकिन उसके बाद जो उसके लगे हाथ जो भी प्रॉब्लम आ रही हैं ये उसका भारत जो रागिनी घर में आ गई है अब वो नए नए तरीके अपना रही है हमें परेशान करने के लिए, तो उसी का एक पार्ट है. तो हम भी परेशान हो गए, हो जाते हैं टाइम लेके लागे नहीं किसी भी तरह से घर से निकालना, लेकिन वो पासा उल्टा कर रहा है. जो हम उसके खिलाफ़ करना चाह रहे थे वो हमारे ऊपर पड़ गए. तो ये है कि अचानक से ऐसा कैसे हो गया, हमारी चीज़ हमारे ऊपर उल्टा कैसे पड़ गया, तो यही चीज़ का वहीं देखा जा रहा है कि घर के बाहर भी कचरे फेंके जा रहे हैं जो काफ़ी ज़्यादा परेशान कर रहे हो ना अभय को और श्रद्धा को लेके कुछ ना कुछ परेशानियाँ आई दी है, क्या कहना चाहोगे उस पर? देखिए वो बेसिकली सिर्फ अभय श्रद्धा से नहीं, वो कीर्ति से भी उतना ही परेशान थी, लेकिन उनके हिसाब से उसको उन्होंने रास्ते से हटा दिया, निकाल दिया है. तो अब जो दूसरे उसके रास्ते में परेशान करने के लिए जो लोग तो वो अब नए नए हथकंडे अपना रही है, परेशान कर रही है. बस यही चल रहा है सिलसिला, परेशान करो हम परेशान हो रहे हैं. यू नो परेशानी खत्म होते ही कहाँ किसी ना किसी को तो जेल में जाना पड़ा है, जेल का भी कुछ कृति तो उस पर क्या कहना चाहोगे? हमने राजनीति के खिलाफ कंप्लेन की थी परेशान ज़्यादा, और हम चाहते हैं जल्द से जल्दी हमारे घर से क्योंकि इसमें फ्रॉड किया और फ्रॉड करके हमारे घर को हटाया. तो अब क्या है कि जब हमने कंप्लेन की तो उल्टा हमारे परिवार, तो ये चीज़ ऐसी है कि ऐसा कैसे हो गया, पासा कैसे पलट गया, तो इस चीज़ के बारे में डिस्कशन चला है इसलिए. ओके.